देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में देखो, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर, मतलब ए एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एच हाइट से एक बॉल को गिरा दिए हम लोग। तो चलो यहाँ से एक बॉल को, ये ऑब्जर्वर है हमारा, और ये ऑब्जर्वर एक बॉल को यहाँ से गिरा दिया, ठीक है, ड्रॉप किया भाई। तो इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये बॉल नीचे आएगा, और जब जस्ट टच करने वाला होगा उस वक्त इसकी स्पीड वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, वेलोसिटी, और उसको मैं यू बोल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाउंस भी करेगा। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट ऑलरेडी दे दिए थे 20 मीटर, दिस बिल्डिंग इज हाइट ऑफ 20 मीटर। तो अगर ये बिल्डिंग है, इफ़ द कोफिशियंट आर एसोसिएटेड कोलिजन ऑफ वॉल और फ्लोर, ये जो फ्लोर है इस फ्लोर को मैं ऑब्जेक्ट टू बोलता हूँ, और ये जो बॉल है इस बॉल को मैं ऑब्जेक्ट वन बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोलिजन इलास्टिक नहीं है, यहाँ पर म्यू प्रेजेंट है, सॉरी, यहाँ पर ई कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई प्रेजेंट है, और उस ई की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। तो ये कहता है जब बॉल हिट करेगा तो बॉल बाउंस भी तो करेगा भाई, तो बॉल कितनी वेलोसिटी से बाउंस करेगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि पहले से कम वेलोसिटी से बाउंस करेगा, उसको मैं भी बोल देता हूँ। और फाइनली यहाँ पे कुछ वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है, तो ये कुछ 20 मीटर तो नहीं जाएगा, ये कुछ फाइनल यहाँ पे जाके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो ये जो हाइट एच है, इस हाइट एच की कैलकुलेशन करनी है, दिस हाइट एच इज नाउ टू कैलकुलेट, इन पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, और जस्ट कोलिजन से पहले पॉइंट सी। तो कुछ नहीं, बहुत इस हाइट की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मैं लगा देता हूँ, पहले सबसे पहले मैं यू निकालता हूँ, ठीक है। तो यू कैलकुलेशन, हाँ, हीटिंग स्पीड, हीटिंग स्पीड टू फ्लोर, मतलब यू की कैलकुलेशन करना, तो बहुत आसान है। थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 AS, ठीक है ना, पूरी बिल्डिंग के लिए। तो फाइनली ये जो है यू है वो भी हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इनिशियल स्पीड 0 से गिराया गया था, 2, एक्सलेशन 10, और हाइट जो है वो कितना है, वो 20 है। तो कुल मिला के यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली जो 20 मीटर पर सेकेंड से जो बॉल है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से हिट किया होगा ग्राउंड को, फ्लोर को। अब ये 20 से तो नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, अब कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फार्मूला, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, तो ये जो फार्मूला वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कैसे लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। और इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो फ्लोर को मैं 2 लेता हूँ, और ये फाइनल v2 - v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, u1 - u2, और जो v2 है वो u2 है, दैट इक्वल टू 0। ये क्या है, फ्लोर है भाई, ठीक है, फ्लोर थोड़ी चलेगा बॉल के कोलिजन से। तो e यहाँ पर e 0.5 है, और v2 क्या है, फ्लोर की 0 हो गया, माइनस u1, u1 क्या है, कोलिजन के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी जो कि भी है, ऊपर लिया हूँ, ई1 क्या है, वी1 था, ई1 क्या है, पहले बॉडी की कोलिजन से पहले वेलोसिटी जो कि नीचे था वो -20, और ये -0। तो कुल मिला के तुम देखोगे यहाँ से, तो भी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 20 × 20 × 0.5, ठीक है। तो ये पॉइंट पॉइंट इससे ख़त्म हो गया, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल ऊपर जा रहा होगा, आया कितने से, हिट किया कितना था, 20 से, और 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फाइनल स्पीड अगर तुम्हें ये बात पता चल गया, तो हाइट तो निकाला जा सकता है। थर्ड इक्वेशन हम मोशन अगेन लगा देते हैं, अगेन फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम ए टू बी, हाँ, ए टू बी, थर्ड इक्वेशन हम मोशन, थर्ड इक्वेशन हम मोशन। तो अगर थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा देते हैं ए से बी तक, तो यहाँ पे b² - c² = 2 AS, तो हाइट निकल जाएगा। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 10 का स्क्वायर,
और टू टाइम्स ये -10 और हाइट h, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो हाइट h, g की वैल्यू निगेटिव है तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये आया 100 और ये आ जाएगा 20 और हाइट h, तो हाइट h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो कुल मिला के अब ये है वो 5 मीटर ही राइज करेगा। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को समझ के, और मैं बहुत बेहतर तरीके से इसको समझाया हूँ यार। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करो और मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और पूरा का पूरा जो PDF है उसको डाउनलोड करके दोस्तों में शेयर करो, खुद डाउनलोड करके रखो और उसको पढ़ो यार।